तूने बेटू की जिंदगी बर्बाद की, दुआ की खुशियों को तबाह किया, और मैं बेवकूफ तुम्हें अपना समझती रही। मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं दरअसल जानना। पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। अम्मी कौन से अधूरे काम की बात कर रही हैं? कहीं वो गजल की और पिटाई तो नहीं करने वाली हैं? धक्के मार के तुझे निकालेंगे इस घर से। नूर बेटा चल हाथ दे मुझे, मदद कर। मुबारक हो गजल, आखिरकार तुम्हारी साजिश का खात्मा हो ही गया। तुम्हें मेरे घर से, मेरी जन्नत से आज निकलना ही होगा, और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अम्मी, अवतार अगर मुझे अम्मी कहा तो लालची हो तुम, बेगैरत। मेरे हाथों से उसका कारोबार छीन लिया, गजल से उसका हक छीन लिया, अब इस मासूम से उसका शौहर छीनना चाहती हो तुम? तकलीफ क्या है तुम्हें? आखिर इन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम? ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? अम्मी मेरे पास कुछ नहीं बचा। अम्मी बचपन में ही मेरी अम्मी गुजर गई थी, फिर मेरे अब्बू नहीं रहे, मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं बचा। अम्मी अब खुदा ने मुझे हैदर दिए थे और तू ने उन्हें भी अपने कब्जे में कर लिया। इस हद तक बरगला दिया है अम्मी कि वो अब मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। बस बस मेरी जान, रो मत बेटा। ऐसे कैसे है तो तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखेगा? एक तमाचा मारूंगी उसे तो होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। एक बात कहूँ तुमसे, मेरा है तो दिल का बुरा नहीं है बेटा, बस उस दुआ के बरगलाने से बैठ जाता है, उसकी बातों में आ जाता है। और तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा, तुम्हारी अम्मी है तुम्हारे साथ बेटा। मैं रोकूंगी उस दुआ को, मैं देखती हूँ कैसे वो मेरे हैदू को और तुम्हें अलग रखती है। अम्मी आपको कुछ याद ही नहीं रहता है, आप कैसे अपने जहन में रखेंगे कि आपको मेरा घर टूटने से बचाना है? क्या कह रही हो बेटा, मेरा जहन इतना कमजोर हो गया है मुझे कुछ याद नहीं रहता? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सब याद रखती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, आपको याद ही नहीं रहेगा कि दुआ मुझ पर कितने जुल्म करती है। अम्मी रो मत मेरी जान, याद नहीं रहता ना मुझे, मेरे हाथ पे लिख दे कि मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। हाथ पे अम्मी? तुम्हें यकीन नहीं है ना मुझ पे, तुम्हारी तसल्ली के खातिर लिख लो मेरे हाथ पे। मेरे एक बचपन का किस्सा सुनाती हूँ तुम्हें। जब मैं स्कूल में थी और इम्तिहान में चंद जवाब याद नहीं रहते ना, तो मैं अपने हाथ पे लिख लिया करती थी मास्टर जी से और मेरी अम्मी से छिपा कर। एक लफ्ज पढ़ते ही पूरा जवाब याद आ जाता था। वाह मेरी बीमारी की दुकान, तुम्हारी ये आदत अब मुझे भी अपने इम्तिहान में पास कराएगी। दुआ और दुआ के बहकावे में आने वाले लोग गजल को घर से निकालने की कोशिश करेंगे। आपको हर कीमत पे दुआ को रोकना है, इसके लिए चाहे आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जान चली जाए मगर गजल घर से नहीं जाएगी। आप किसकी तरफदारी कर रही हैं? किसके खिलाफ खड़ी हुई हैं? आपको पता है इस शैतान ने दुआ के साथ क्या क्या नहीं किया? दुआ तो छोड़ो, हमारे खानदान की नींव ये कमजोर करती जा रही है। गजल घर से नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं क्या हो गया है आपको, क्या सोच रही हैं आप? देखिए आप,
आपको आराम की जरूरत है। इस मामले में आप बीच में मत पड़िए, आप जाके आराम कीजिए। आज इसे ठीक करना ही पड़ेगा। हटाइए इसे यहाँ से। हाँ बाजी। मैंने कहा बाहर निकालो इसे इस घर से। नहीं दूंगी। याला। अम्मी। अम्मी। हिनक। बाजी। ये क्या कर रही हो आप? अम्मी। अम्मी क्या कर रही है? मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर गजल को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। अब क्या कर रही है अम्मी? चुड़ी फेंकी है। ऐसे तुम वहीं रुको। अम्मी रुक जाइए, क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो आप बाजी? छोड़िए चाकू को। अम्मी छोड़ दीजिए, लग जाएगी आपको। अम्मी प्लीज चाकू छोड़ दीजिए। नूर कहना वहीं रुको, अगर अम्मी प्यारी है तो वहीं रुकना, वरना खो दोगे अम्मी को। हिना छोड़ो छोड़ो से। मैं झूठ नहीं बोल रही, आगे मत बढ़िए। मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। हिना रुक जाओ, हिना ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी अम्मी आगे मत बढ़ी। अम्मी ये आप क्या कर रही है? दो अम्मी आगे मत बढ़ना। मैं गजल को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। गजल की जिंदगी हराम करके रखी है। अगर दुआ की वजह से गजल घर छोड़ के चली गई ना, तो मैं अपनी नस काट लूंगी। अब तुम्हें तय करना है, तुम्हें इस दुआ की ख्वाहिश अजीज है या अपने अम्मी की जान। तुम गजल को घर से बाहर नहीं निकालोगे ना? तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया बेटा। तुम चाहते हो ना तुम्हारी अम्मी मर जाए, तो यही सही है। रुक जाइए, छोड़िए। अम्मी, हीना, अम्मी, खालाजान, हीना, मत करो ऐसा। बाजी रुक जाइए। अम्मी, छुरी फेंकिए प्लीज। अम्मी ये क्या कर रही है? चाकू फेंकिए। मैंने क्यों फेंकी इसे? दूर हट। सब तेरी वजह से हो रहा है। हीना, पागल मत बनो। अम्मी मौत तो मुझे आनी चाहिए, आप मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालिए। अम्मी अम्मी चुड़ा चुड़ा फेंकी। तो बताना बस, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मर जाने दे मुझे। अम्मी 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 अला जान, क्या कर दिया हिना तुमने? आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम गजल को घर से नहीं निकालोगे? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, ठीक है? ये कहीं नहीं जाएगी, यकीन मानिए मेरा। अम्मी जब तक ये चाहे यहाँ रह सकती है, ये क्या पागलपन है? अभी फेंक दीजिए इसे। बहुत खूब ही ना, यही तो मैं चाहती थी। कसम खाओ, मेरी कसम खाओ तुम कि तुम गजल को घर से नहीं निकालोगे। संभालता हूं करे कई भैंस पानी में। अरे मम्मी संभालिए खुद को,
तुम दूर हटो मुझसे गजल। अम्मी कोई डॉक्टर को फोन करो जल्दी। फिर दुआ बेगम देख ली मेरी ताकत, जमाने भर के गलत काम करके भी मैं जीत गई और तुम अच्छी सच्ची होने के बावजूद भी हार गई। अफसोस। तुम भी कितनी बड़ी बेवकूफ हो गजल, जिसे तुम जीत समझ रही हो ना वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने अपने सर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुमने चालबाजी से इस घर में अपनी जगह तो बना ली मगर ये भूल गई कि तुम इस घर में जिंदा कैसे रहोगी, क्योंकि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहती हो हैदर, हैदर जान चुके हैं कि तुमने उनकी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उनकी बीवी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, अपने जज्बातों के जाल में फंसाया, उन्हें बेवकूफ बनाया, उनका फायदा उठाया, इसीलिए हैदर तुमसे नफरत करते हैं। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी अम्मी की हालत की वजह तुम हो, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और रूहान, जिसे तुमने मोहब्बत के जाल में फंसाया था, वो जान चुका है कि तुमने हैदर को उसके बड़े भाई को जाल में फंसाया था। यही नहीं, तुमने उसे मारने की कोशिश की, उसकी बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की, उसकी भाभी को मारने की कोशिश की। रूहान भी तुमसे नफरत करता है। आज हम सब लोग हर जुल्म का बदला लेंगे जो इसने हमारे ऊपर किया है, और इसका बदला होगा इसकी मौत। रूहान की अम्मी भी जान चुकी है कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। वो जान चुकी है कि तुमने उनके बेटे को जान से मारने की कोशिश की, उसे अगवा किया, यहां तक कि तुम्हारी वजह से वो मुजरिम बनने की राह पर चल पड़ा था। इसीलिए रूहान की अम्मी भी तुमसे नफरत करती है। खैर करे। अरे तेरी मरम्मत तो मैं करूंगी बेटा, बस एक बार बाजी गवाही दे दे। मार मार के तेरा मुंह नहीं रंग गया तो मेरा नाम गुलाब सकता नहीं। और अब्बू जी भी जानते हैं कि तुमने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, उनके बेटे का घर बर्बाद कर दिया, उनका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। इसलिए अब्बू जी को तुमसे घिन आती है और वो भी तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। तुम्हारी मौत पक्की है गजल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और तुमने कायनात और हफीज के बच्चे को मारने की कोशिश की, हफीज की बहन की जान लेने की कोशिश की, उसकी अम्मी की जान लेने की कोशिश की। कायनात की अम्मी के साथ क्या क्या नहीं किया तुम सोच भी नहीं सकती कि वो दोनों तुमसे कितनी नफरत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अम्मी की इस हालत के पीछे ना तुम्हारा ही हाथ है। जिस दिन ये साबित हो गया ना, उस दिन हम सब मिलकर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। इस पे तो मैं भी वार करूंगा, ऐसा वार जो इसकी रूह तक को जख्मी कर देगा। और मेरी अम्मी तो मौका ढूंढ रही है कि बस एक मौका मिले और वो तुम्हें जान से मार दे। वो तो तुमसे बेहद नफरत करती है। खुदा कसम, आज ये सारी गोलियां तेरे सीने में ना उतार दी ना तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। तुम वो भेड़िया हो गजल जिसने सबको जख्मी कर दिया था, और अब ये घर वो जंगल है जो तुम्हारा शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा है। तुम इस घर में तो रुक गए गजल, मगर सोचो इस नफरत के घने जंगल में तुम जिंदा कैसे रहोगी। और ये भी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जीत गई हो या अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस के हार चुकी हो। ये दुआ तो सच में मुझे डरा रही है, इस मुसीबत से तो अब अम्मी ही मुझे बचा सकती है। अम्मी,
अम्मी तुम्हें कब तक बचाएंगी गजल? एक ना एक दिन अम्मी को सब याद आ जाएगा और फिर तुम इस घर से बाहर होगी। तुम इस घर में आ तो गई हो मगर ज्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाओगी, क्योंकि हम सब हर वक्त तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते रहेंगे और तुम्हारी औकात इस घर के बाहर पड़े डोरमैट से ज्यादा बढ़कर नहीं है, जिसपे आते जाते लोग अपने पैर साफ करते हैं। गजल बहुत ढीठ है, वो डर जरूर गई है मगर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मुझे पूरा यकीन है वो कोई ना कोई ऐसी साजिश जरूर करेगी जिससे हम लोगों को नुकसान पहुंचे, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल सही कह रही है दुआ, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन गजल अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकती। वो मेरी अम्मी को ढाल बना करूंगा, फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। और हमें गजल से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बनते फिरते हैं झूठे लोग, मारने पर उतारू हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई, वरना ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। उनसे तो बच गई, मुझसे कैसे बचोगी तुम ना मुराद? शैतान कहीं की मैं तेरा भूत उतार के रहूंगी आज, वरना मेरा नाम भी हीना अख्तर नहीं। तूने मेरे हैदू की जिंदगी बर्बाद की, मेरी दुआ की खुशियों को तबाह किया, और मैं बेवकूफ तुम्हें अपना समझती रही। इस बीमारी की दुकान को सब कुछ फिर से याद आ गया, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और बची हुई कसर इसके घर वाले पूरी कर देंगे। अम्मी दरवाजा खोलिए। क्या हो रहा है अंदर? हीना तुम ठीक हो ना? अम्मी हीना दरवाजा खोलो। बाजी आप ठीक तो हैं? अम्मी दरवाजा खोलिए। ये है मेरा बच्चा है तो। हीना ने दरवाजा खोल दिया तो सब समझ जाएंगे कि हीना को याद आ गया है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। हीना को रोकना होगा वरना ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। अभी दरवाजा मत खोलिए अम्मी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुझे मार डाले। अम्मी आप ठीक है ना? अंदर क्या हो रहा था अम्मी? कब से हम दरवाजा खटखटा रहे, आप खोल क्यों नहीं रही थी दरवाजा? ये बदसात आपको नुकसान पहुंचाने की जरूरत तो नहीं कर रही थी? खुदा खैर करे हैदर, मुझे तो यहां मामला कुछ उल्टा नजर आ रहा है। बाजी ठीक लग रही है और ये जो गजल है ना, ये मुझे छिली हुई मुर्गी नजर आ रही है। क्या बात है बड़ी अम्मी, हमारा अधूरा काम आप पूरा कर रही हैं, लेकिन बड़ी अम्मी ये सांप है, इसका झाड़ू से कुछ नहीं होने वाला, सांप का ना मुंह कुचला जाता है।
कितना मारा है अम्मी ने। अल्लाह, अरे अरे क्या हुआ गजल बेटा? हिना ने बहुत मारा क्या? बोल तो मैं तेरे जख्मों पर नमक छिड़क दूं? अरे जल्दी ठीक हो जाएगी चोट। रुक, मैं अभी नमक लेकर आती। पापा रुक जाइए, अरे नमक वमक की कोई जरूरत नहीं है, इसकी सिसकियां सुनकर तो इतना मजा आ रहा है जितना मजा राहत साहब की कलाम में भी नहीं आता। उल्लास, उल्लास बेगम, आज पहली बार तुम्हारी राय से मैं इत्तफाक रखता हूँ। शुक्रिया मिया। मीना ने क्या बेहतरीन धुलाई की है इसकी। वैसे हिना बेगम, मान गए आज तो। अरे आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमीदा बेगम की समधन हो। हैदर, लगता है अम्मी को सब याद आ गया। यही सही वक्त है गजल का सच बुलवाने के लिए। तुम सही कह रही हो, अम्मी से सच्चाई निकालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। अम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं दरअसल जानना, पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। अम्मी कौन से अधूरे काम की बात कर रही हैं? कहीं वो गजल की और पिटाई तो नहीं करने वाली हैं? आज तो तुम्हारी खैर नहीं है।